अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर जनाब मैं किचन में आई थी और अबू ज़र ने ज़िद की हुई थी कि मुझे जो है ना बस पकड़ लो, उठा लो। तो फिर मैंने मोमल से बोला कि मुझे जो है ना बस एक पराठा बना दो, तो अबू ज़र का जो है ना मैं खुद बना लेती हूँ। जब तक अबू ज़र को मैंने बातों में लगाया, इसका रोना धोना ख़त्म किया, तो मैंने प्लेट में इसको थोड़ा सा खुश्क आटा डाल दिया और ये फिर जब खेलने में बिज़ी हो गया तो फिर मैंने इसके लिए छोटा सा पराठा खुद बना लिया था और मेरा जो है वो मोमल ने बना दिया था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता ना कि आपका कुछ भी करने को मूड नहीं होता, तो आप ख़ुद को शायद जज कर रहे होते हैं कि क्या मैं सेल्फिश हूँ। कभी आपका टाइम ऐसा भी होता है कि आपको बहुत शदीद भूख लग रही होती है और आपके हस्बैंड को आने में थोड़ी सी देर होती है, लेकिन आप वेट करते हैं कि वो आएंगे तो हम खाना खाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करती, मुझे जब शदीद भूख लग रही होती है ना मैं खाना खा लेती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं बस बैठी रहती थी इंतज़ार कि कब अब्दुल रहीम आएंगे और कब मैं जो है ना उनके साथ बैठ के तो खाना खाऊंगी। अभी भी मैं उनका वेट करती हूँ, लेकिन कभी कभार नहीं भी करती। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही इससे मैं सेल्फिश हो जाऊंगी, ना ही इस वजह से मेरी उनसे जो मोहब्बत है वो कम हो जाएगी, और ना ही इससे जो हमारी एक दूसरे के लिए इज़्ज़त है वो कम होगी। हम दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कभी कभार चलता है। कभी वो बाहर खाना खाते हैं दोस्तों के साथ तो मैं इस चीज़ पर बिल्कुल मूड ऑफ नहीं करती कि मैं तो आपका वेट कर रही थी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं कि मतलब आज मैं बाहर खाऊंगा या मैंने खा लिया है तो तुम खाना खा लो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल भी अपनी डेली लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको फॉलो करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप पूरा दिन एक बच्चे के साथ हैं, उसको देख रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, उसका खाना पीना डायपर ईच एंड एवरीथिंग, तो कभी आपका मूड नहीं भी है कि आप जो है ना सारे काम एक दिन में करें और आपका बस दिल है कि आप रेस्ट करें, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक बुरी माँ हैं या आपको अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं है, या आपने एक दिन उसके कपड़े नहीं चेंज किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी जिस मुआशरे का हिस्सा है ना, इसमें हमें लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हर कोई जो है ना बस हमें जज कर रहा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर हम लोग ही एक दूसरे को गाइड करेंगे, एक दूसरे को थोड़ा ऐसा शाउट देंगे ना, तो मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से जो है ना हो सकता है कि कई हद तक बच जाएगी। देखिए ना, एक बंदा जो ऑफिस जाता है या कोई जॉब करता है तो उसका कभी कभी मूड होता है कि वो छुट्टी कर ले, और वो कोई ना कोई बहाना करके बीमारी का या कुछ भी, कहीं जाना है या कुछ हो गया, किसी ना किसी बहाने से वो एक दिन की छुट्टी कर ही लेता है। लेकिन होम मेकर्स से ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते लोग। लोगों को बस ये होता है कि जो हमारी डेली रूटीन के काम है ना वो होने चाहिए। आप अपने घर की माओं को देख लें, और जो हमारी मदर्स थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ऐसे हम लोगों के कामों में हमारे अब्बू के, हमारे भाइयों के, हमारे नखरे जो है ना उठाते उठाते उनकी सारी ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही गुजर गई है। तो बदले में उनको क्या मिला? बदले में उनको यही कहीं ना कहीं तो सुनने को मिल ही जाता ना, ये बड़ी सेल्फिश है, इस बंदी को बिल्कुल ख्याल नहीं है, इसका घर तो ऐसे है, इसका घर तो वैसे है। तो देखें, उनको कुछ नहीं मिला ना तो हम लोगों को भी कुछ नहीं मिला। हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने खुद ही निभानी है, वो हमारा मसला है हम कैसे मैनेज करते हैं। तो बस लोगों की बातों को इग्नोर करना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, और जो दिल करता है ना उसको करना है। जब रेस्ट करने का मूड है तो रेस्ट करना है, जब काम करने का दिल है तो डट के काम करना है। तो यहाँ पर मैं भी जो है ना अभी नाश्ता करके फ्री हो गई थी, तो वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे पालक चिकन बनाना था और पालक मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई थी। देखिए ना, अपने लिए खुद ही आसानियाँ पैदा करनी होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने चिकन की भुनाई की है, पालक ऑलरेडी बॉईल थी, काट के अम्मी ने इसको जो है ना बॉईल कर दिया था और मैंने फिर इसको ग्राइंड करके तो फ्रीज करके रख दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसमें पालक डाल दूँगी, ये खुद ब खुद जो है ना अभी 5 मिनट में मेल्ट हो जाएगी सारी, और फिर इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जब ये भून जाएगी अच्छे से, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दिया था और हमारा मज़ेदार सा पालक चिकन का सालन जो है ना वो रेडी हो गया था। अब यहाँ देखिए ना, कितने दिन से मैंने ग्रॉसरी की हुई थी और जो चीज़ें हैं ना वो मैं सेट ही नहीं कर पा रही थी, मतलब कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उनको उनकी जगह पर रखूँ। कभी कभार इंसान लेज़ी हो जाता है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है।
तो आज मुझे जैसे ही टाइम मिला, उसमें से मैं कितनी चीज़ें निकाल के यूज़ ऐसे ही कर रही थी, लेकिन आज मुझे जैसे ही टाइम मिला तो किचन के सारे काम ख़त्म करने के बाद अबू ज़र को जो है ना मैंने थोड़ी देर के लिए कार्टून लगा के दे दिए। लेकिन वो जैसे ही उसको पता चला कि मैं काम कर रही हूँ, वापस उठ के मेरे पास आ गया, तो मैं ग्रॉसरी की चीज़ें सेट करने लगी थी। तो फिर अब ऐसा होता है कि कभी कभार वो जो है ना मुझे चीज़ें पकड़ाता है, हेल्प करने की कोशिश करता है, तो इस चीज़ पे मैं उसको रोकती नहीं बल्कि अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कि मैं बेडशीट सही कर रही होती हूँ तो मुझे तकिए ला के पकड़ा देता है। मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ, उसको मैंने जो है ना अपने पास खड़ा किया होता है, आटा दे देती हूँ या कोई भी बर्तन पकड़ा देती हूँ कि वो उसमें बिज़ी हो जाए। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे ग्रॉसरी की चीज़ें सेट करने लगी थी तो वो मुझे यहाँ से चीज़ें पकड़ पकड़ के ना तो दे रहा था। तो उसको मैं इस चीज़ से मना नहीं करती बल्कि उसको थैंक यू बोलती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि चलो कुछ तो अच्छा काम कर रहा है ना। तो अभी मैं एक कोने में छुप के जो है ना वॉइस ओवर कर रही थी तो इसको पता चल गया और ये मेरे पास आ गया फ़ौरन से भागता हुआ ना। तो खैर ये थी कुछ बातें, ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबी दे। जिन जिन के भी यूट्यूब पर चैनल हैं अल्लाह ताला उन सब के चैनल को जल्द से जल्द ग्रो करे और बस सब जो है ना अपने अपने मकसद में कामयाब हों। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हम सबको भी अपनी दुआ में बहुत याद रखें। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह।